हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? और आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल में, संदीपा मुकेश ब्लॉग में। और बहुत अच्छे होंगे आप लोग, आशा करती हूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे मेरी सासू माँ सेक रही है भुट्टे। भुट्टे लिए थे तो भुट्टे सेक रहे हैं। और यहाँ पे सब्जी भी कटी हुई रखी है। और ये देखिए, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सब्जी। सब्जी वाला आया था तो सब्जी ले रही हूँ मैं। यही शाम के टाइम पे सब्जी वाला आता है। शाम का टाइम हो रहा है यहाँ पे और शाम के टाइम सब्जी वाला आता है हमारे यहाँ। तो मैं रोज़ मैं ले लेती हूँ यहीं पे घर पे ही। तो ककड़ी ककड़ी और गिलकी ली थी मैंने। तो बस यही मेरी बेटी ने चलो मंदिर में आरती हो जाए। गंदे लगे ना पांच घंटे में करना। तो दियो लगे बस हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे थे। इन लोगों को शाम के टाइम मंदिर जाना है तो बस वही बात कर रहे थे। और शाम के टाइम अभी श्रावण श्रावण चल रहा है तो शाम के टाइम रोज बत्ती लगाने चले जाते हैं भोलेनाथ जी के मंदिर में। तो मेरे को नहीं जाना था तो मेरी सासू माँ और गुड़िया जा रही थी तो वही बात कर रहे थे। मतलब वो बोलते हैं कि 7 बजे मतलब जाते हैं ना तो आरती चालू हो जाती है तो उन लोग उनको खड़े रहते नहीं बनता है, थक जाते हैं क्योंकि आरती बहुत टाइम चलती है 1 घंटा। तो मैं उनको वही बोल रही थी कि 7:30 बजे आरती चालू होती है, 7 बज रही तो तुम लोग अभी चले जाओ। तो बस यहाँ पे यही बातें हो रही थी। और भुट्टा मुझे से भुट्टा भी खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा। और शाम का टाइम था ही, 7 बज गए, 7 बज चुकी थी तो मैंने वो लोग मंदिर मंदिर चले जाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे खाना वाना। और फिर उसके बाद मैं वो लोग मंदिर चले गए और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो बस यही है। तो मैं आज बना रही हूँ ये टमाटर की सब्ज़ी है। टमाटर है जो ग्रीन टमाटर आते हैं ना उसकी सब्ज़ी है, जो बिल्कुल ग्रीन कलर के कच्चे वाले टमाटर जो होते हैं ना उनकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है ये वाली, मतलब टमाटर की सब्ज़ी। और कच्चे टमाटर की सब्ज़ी होना तो और बहुत टेस्टी लगती है। कुछ मत डालो, सिर्फ राई ज़ीरा और मिर्ची का तड़का लगाओ और अच्छी पक जाए ना, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ या शक्कर जो भी आप खाते हो वो डाल दो तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है। और मुझे तो बहुत पसंद है रोटी के साथ, मुझे तो चावल के साथ भी अच्छी लगती है। तो यहाँ देखिए मैंने ज़ीरा और हरी मिर्ची ही डाली है। आप थोड़ी सी हींग भी डाल सकते हो। हींग थी नहीं मेरे पास उस टाइम पे तो मैंने नहीं डाली, लेकिन आप लोग डाल सकते हो। इसके बाद सारे सूखे मसाले आप डाल सकते हो। प्याज डालने से मुझे ना वो प्याज का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो प्याज मैं नहीं डालती हूँ। सिर्फ हरी मिर्ची से और लहसुन से भी बघाड़ दो आप, बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे बस वही मैं बना रही थी। आप लोग भी बताना आप लोगों को ऐसे टमाटर की, कच्चे टमाटर की या पके टमाटर की सब्ज़ी अच्छी लगती है कि नहीं, क्योंकि दोनों का ही टेस्ट चेंज हो जाता है। कच्ची टमाटर की सब्ज़ी अलग लगती है और पके टमाटर की सब्ज़ी अलग लगती है ना। तो बस ये मेरी सब्ज़ी बन गई है। ये अच्छे से जब तक गल नहीं जाए ना तब तक इसमें मीठा नहीं डालो। पूरी पूरी गल जाए जब उसमें मीठा डालो, नहीं तो वो अच्छे से फिर गलेगी नहीं। तो बस वही मेरी ने ऐसे चला के और ढक के रख दी थी और वो जब पूरी गल गई ना उसके बाद मैंने उसमें गुड़ डाला था।